महापौर आलोक शर्मा और निगम आयुक्त पहुंचे बैरागढ़। आलोक शर्मा ने भू माफिया की तरह सुअर माफिया को भी खत्म करने की बात कही। एक विस्तृत आयोजन बनाए नगर निगम। दौरे पर निकले महापौर ने बैरागढ़ के एमईएस ग्राउंड पर खेला क्रिकेट। क्षेत्रीय पार्षद भी रहे महापौर के साथ मौजूद। महापौर ने कहा कि भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों को प्लास्टिक से मुक्त किया जाएगा। 2020 के लिए पूरा भोपाल तैयार है। पूरे नगर निगम के सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी, सभी हमारे स्वच्छता सेवक एक परिवार के रूप में मैदान में उतर चुके हैं। आज नगर निगम के कमिश्नर विजय दत्ता जी और मैं स्वयं और हमारे साथ यहाँ के जो पार्षद हैं अशोक मारंग जी, दीपा वासवानी जी, सबके साथ आज हम संत हृदयराम नगर में आए हैं। हम हर गली में जा रहे हैं, हर मोहल्ले में जा रहे हैं, हर परिवार में दस्तक दे रहे हैं और वहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। पहले से साफ सफाई व्यवस्था कैसी चल रही है तो लोगों ने बताया कि पहले से साफ सफाई व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ हुई है। नगर निगम को कई रहवासियों ने बधाई भी दी है कि पहले कचरे की ढेरियाँ दिखती थी, कचरे के ढेर दिखते थे, आज कचरे की ढेरी और कचरे के ढेर नहीं दिख रहे हैं। हमने कई माताओं बहनों से ये भी पूछा है कि आपका कचरा तो कैसे देते हैं, तो उन्होंने कहा नगर निगम की गाड़ी प्रतिदिन आती है, उसमें गाना बजता है, हम कचरा सूखा कचरा अलग डस्टबिन में रख रहे हैं, गीला कचरा अलग डस्टबिन में रख रहे हैं। कहीं ना कहीं भोपाल में अवेयरनेस आ रही है, लोग स्वच्छता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारा भोपाल एक सिविक सेंस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और हमारा भोपाल प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पंचवाक्य को पूरा करता हुआ दिख रहा है। लगातार स्वच्छता के क्षेत्र में हमारा भोपाल देश में सफाई व्यवस्था में 2017 में दूसरे नंबर पे आया, 2018 में हम दूसरे नंबर पे आए, 2019 में हमको देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी का अवार्ड मिला। इस बार कुछ कमी नहीं रह जाए, कुछ खामियां नहीं रह जाए। हम जनता के बीच में भी जा रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं कि साफ सफाई व्यवस्था कैसी चल रही है, स्वच्छता सर्वे हो रहा है, इसके बारे में आपको पता है कि नहीं, क्योंकि जनता के भी फीडबैक के हमारे को 1500 नंबर है और मुझे लगता है कि काफी अच्छा लगा कि जनता में काफी जागरूकता है, अवेयरनेस है और सभी लोग मिलजुल कर अपने भोपाल को नंबर वन पे। तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल खबर पर नजर।